IVTV देखता है इंडिया। अभी हम सुल्तानगंज थाना के मुसल्लफुर हाट जो कि कोचिंग संस्थान है मेहता मैथमेटिक्स वहीं पर हैं, जो कि कल रात में घटना हुई 8:03 में। घटना ये हुई है कि कुछ ऐसे बदमाश गुंडागर्दी करने वाले बच्चे और सामाजिक तत्व जो है कल रात में पहुंचे और इसी मैथमेटिक्स जो मेहता मैथमेटिक्स, अब तस्वीरों में देखिएगा कि यही संस्थान है जहां पे मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जाती है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, और इसी जगह पे कुछ बदमाश जो है करीब फ्री में एडमिशन कराने की बात को लेकर, या फिर आप यूँ कह लें कि एडमिशन फ्री चाह रहे थे उसको लेकर जो है, या फिर उनका आरोप था कि यहाँ पर पैसा जो है ठगा जा रहा है 1000 रुपया, इसके आरोप में ये लोग पहुँचे। और जिस तरीके से शीशा का हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये शीशा को लगातार डंडे की चोट से जो है शीशा को चकनाचूर कर दिया, और उसके बाद जो है करीब 3 मिनट तक, माफ़ कीजिएगा, लगभग करीब 1 मिनट तक यहाँ पे जो है लगातार लाठी से मतलब कि चकनाचूर किया शीशा को। और तस्वीरों में CCTV कैमरेज लगे हुए हैं जहाँ पर में उसके नीचे जो है एक बम फेंका गया, बम से जो है पूरा धुआं धुआं हुआ, और फिर एक बम जो है इस संस्थान के बाहर रोड पे जोर से धमका किया गया। ऐसे में जो लोग जो थे अंदर में वो लोग निकल के दूसरे जगह पहुंच गए, और जो संस्थान में लोग थे वो कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत होकर अंदर चले गए। ऐसे में ये संस्थान है जो ऊपर में क्लासेस चलता है और नीचे में ऑफिस है, रिसेप्शन है, जो कि यहाँ पर कई लोग बैठे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो राजा यादव नाम का जो लड़का था वो पहुँचे थे, जो कि जैक्सन हॉस्टल से, ये लोग पटना कॉलेज है वहीं से पहुँचे हैं। एक बार हम तस्वीरों में दिखाएंगे इनको, और तमाम लोग हैं इनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे थे, यहाँ पे इंग्लिश टीचर हैं आप, कुछ लोग पहुँचे लड़का लोग, तो क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों डंडा से पीटा गया, आखिर क्या कुछ लगा? हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरी क्लास थी जस्ट 8 से 9, हम अभी क्लास के लिए जा ही रहे थे, बाहर निकले माइक ढूंढ रहे थे, तो माइक यहाँ हमको मिला नहीं, तो उस हम गर्ल्स रूम में हम माइक एक अपने स्टाफ को बोले कि देखिए तो माइक वहाँ रखा हुआ है क्या, हम अभी उधर देखते हैं, फिर उधर से बैग जब हुए ना तो देख रहे हैं कि बाहर से सभी लोग डंडे रॉड पिस्टल वगैरह लेकर के सभी लोग आ गए। आए और हम लोग अब बिना सोच नहीं पाए कि आखिर होने क्या वाला है, तब तक तोड़ फोड़ बम बारी पूरी तरह से जो मन करने लगे, लगभग 1 मिनट के अंदर में ही पूरा तोड़ फोड़, 1 मिनट से भी कम कहा जाए, और इतने में शुरू कर दिए, और अब अफरा तफरी मच गई। हम उठ करके जा रहे थे क्लास लेने, ऊपर में क्लासरूम है, हम क्लासरूम में जा रहे थे तब यहाँ पर हमारे डायरेक्टर सर बैठे हुए थे, वो लोग इंक्वायरी वगैरह का काम कर रहे थे, हम ऊपर क्लास लेने जा ही रहे थे तब तक ये सारी घटनाएं हुई, पूरी तरह से तोड़ा गया सिस्टम को, बाकायदे सभी CCTV कैमरेज में कैद है हमारे यहाँ। बम वगैरह भी फेंका गया, बम का आंशिक टुकड़ा हमारे ऑफिस में भी पाया गया है। हाँ, इस पर भी प्रहार किया गया, टूटा नहीं है क्योंकि वहाँ से वो लॉक था, पैक होने के कारण ये शीशा टूटा नहीं, ये शीशा पैक नहीं था इस कारण से ये टूट गया। मैथमेटिक्स के टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश पढ़ाते हैं और हमारे JP मेहता सर मैथ्स पढ़ाते हैं। हाँ, वो सर, चले गए थे तुरंत, उनकी क्लास समाप्त हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो गुंडागर्दी करने वाले लड़के पहुँचे थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे 1000 रुपया ठगा जाता है, लूटा जाता है, ऐसा आरोप। कोई बात होगी तो वो हमारे विद्यार्थी बताएंगे आपसे, हम तो अपनी बात ही बताएंगे, हमारे विद्यार्थियों से आप पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है। हमको लगता है कि इससे मिनिमम चार्ज कहीं है ही नहीं पटना में, और सर के व्यवहार के बारे में भी आप विद्यार्थी से पता कर सकते हैं। तो ये लोग फ्री एडमिशन कराना चाह रहे थे, फ्री एडमिशन चाहिए इन लोगों को, कमीशन चाहिए, नहीं तो ये जान से मारेंगे, गिरफ्तारी करना चाहिए, बस जो समझिए क्या किया। अच्छा, जैक्सन है, जैक्सन हॉस्टल, जैक्सन, हाँ जैक्सन कॉलेज के बगल में, हाँ हाँ, अब तो खैर CCTV कैमरे में सभी का फोटो कैद है, अब हम इसके बारे में क्लियर रूप से नहीं कह सकते हैं कि कौन है, हाँ तो ऐसा रिपोर्ट में यदि है तो हो सकता है, जांच का विषय है, देखा जाएगा। कैमरे में भी नुकसान पहुंचा, क्षति या फिर शरीर पे चोट? हमारे स्टाफ लोगों को पीटा गया है, हम लोगों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। स्टाफ में क्या दिक्कत, चोट? हाँ, चोट लगी है, एक हमारे जो सबसे एजेड स्टाफ थे वो घर अभी चले गए हैं, छुट्टी में है,
नाम विनय जी हैं, विनय जी हैं ना, विनय जी हैं। क्या करते हैं आप? हमारे यहाँ वही आई कार्ड वगैरह चेक करना, ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन का। बच्चे जो है क्लास में पढ़ाई करते थे? पढ़ाई चल रही थी। हाँ, इंग्लिश की क्लास होने वाली थी, सभी विद्यार्थी बैठे हुए थे। हम माइक लेकर जस्ट ही ऊपर चढ़ने वाले थे, तब तक सारी घटना हो गई। हमारे विद्यार्थी ऊपर में यही होशियारी किए कि वो ऊपर में अंदर से ही गेट को लॉक कर लिए। उसके बाद कब तक बच्चे रहे, उसके बाद निकलने का क्या सीन? अब कुछ समय बाद हम लोग यहाँ आए, सारी घटनाओं को मैंने देखा। उसके बाद मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आज आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी, आराम से आप लोग निकलिए और चले जाइए। आज बगल में सुल्तानगंज थाना है, आप लोगों ने रिपोर्ट दिया, क्या कुछ हुआ? हाँ, प्रशासन तुरंत आई है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन आई है, सारी घटना को उन्होंने देखा। कहा कि बम की पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है, क्या ऐसा है? एकदम, ये तो प्रशासन देख करके गई है। अब पता नहीं वो कैसे ऐसी बात कह रही हैं कि बम, चूँकि बम का आंशिक टुकड़ा पाया गया है, और ये प्रशासन क्या कहेगी? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा कि कैद है, सारी पूरी तरह से कैद है हमारे यहाँ। अब बम के आंशिक टुकड़े पाए गए हैं हमारे यहाँ। जो यहाँ पे ओपी मेहता है, ओपी मेहता सर हमारे डायरेक्टर सर हैं। सर पढ़ाते हैं बच्चों को? डायरेक्टर, हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो सर, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट में कल यहाँ पे डंडा से पहले सीसा को छोड़ा गया, उसके बाद बम मारा गया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, इसका तो गलत मंशा ही नहीं आया, सही मंशा से कोई यहाँ पे थोड़ी आएगा तोड़फोड़ करने। और इतना जल्दी आया कि हम लोग कुछ सोच भी नहीं पाए कौन है, कहाँ से आया। और मैं केबिन में था, वहाँ कुछ और लोग आए हुए थे, उसमें बैठा हुआ था मैं। एकाएक देखे तोड़ रहा, तब तक देखते देखते मैं फिर बम मार दिया, पूरा अंधेरा हो गया। निकले तो अंधेरा, बम के कारण निकले तो वहाँ पूरा शीशा था, बाहर निकले तो तब तो वो लोग भाग गया। उसके बाद तुरंत फुटेज देखना स्टार्ट किए, कौन कौन लोग थे, क्या थे। और लगभग 5 से 10 मिनट कॉल किया मैं तुरंत थाना को, 10 मिनट नहीं लगा होगा, पुलिस आई, उसके बाद सारा कार्रवाई स्टार्ट हुआ। कॉपरेट किए? हाँ, कॉपरेट किए। क्या कुछ यहाँ पे कार्रवाई? फुटेज लिए, स्टेटमेंट लिए, फिर उसके बाद बोले कि नहीं FIR कीजिए टोटल देख करके। बहुत देर यहाँ पे रहे भी थे, फुटेज भी कुछ देर देखे कि नहीं कोई पहचान में आता है कि नहीं, कुछ रिकॉर्ड करके भी वो ले गए। अभी तक कोई अरेस्ट होने की बात है जो आरोपी है? अरेस्ट की बात नहीं है, नहीं अभी तो इंस्पेक्टर साहब आए। मांग करेंगे इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम आ करके करना सही नहीं है, और हो सकता है कि और मन बढ़े। आप लोग सेफ हैं इस तरह से कोचिंग संस्थान चलाते हैं, क्या एजुकेशन सेफ है? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो पढ़ाते हैं, हम लोग क्या सेफ रहेंगे? टीचर थोड़ी कुछ लेकर चलता है कि भय का माहौल बना कर रखते हैं। क्या ये भय का माहौल पहले से भी लग रहा था आपको, या फिर और भी हर जगह इंस्टीट्यूट का है? आज कई टीचर जो हैं पैदल मार्च किए हैं। हाँ, आज किए हैं बहुत सारे, सभी टीचर लगभग आगे लगा कि नहीं एक हुए हैं, इसका मतलब है कि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, डर का भय है। हाँ, वो दिखा, पहले ऐसा हुआ था कि कुछ जगह होता था तो सब लोग अपना चुपचाप रह जाते थे, लेकिन इस बार सब लोग रास्ते रोड पे आए, सब लोग गए SSP आवास तक गए। क्या SSP साहब को रिपोर्ट फुटकानों पे पहुंची है? हाँ, वो बोले में नहीं, वो थाना को बोले कि जितना जल्दी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं कि सारा मुझे सब रिपोर्ट चाहिए, सबको गिरफ्तारी चाहिए सबकी। इंग्लिश के शिक्षक हैं और साथ में ओपी मेहता सर डायरेक्टर हैं, जो कि मैथमेटिक्स इस कोचिंग के, जो कि हम इन लोगों से बातचीत किए, जो कि बातचीत में सारा चीज़ निकल के आया है कि कौन वो लोग था जो कि रात में पहुंचा और लगभग 8:03 में यहां पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में सवाल ये होता है कि यहां पे जितने भी राजधानी पटना में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, क्या वो सेफ हैं या नहीं सेफ हैं? इससे पता चल रहा है कि वो सेफ नहीं है। इन लोगों का यही कहना है कि प्रशासनिक तरीके से इस पर बिल्कुल एक्शन हो, और यहाँ तक कि SSP जो हैं मानवजीत सिंह ढिल्लो, उनको भी रिपोर्ट दिया गया है, वो भी थाना को यही कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर अविलंब जो है उस पर कार्रवाई हो, और जो एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, जो लड़का जिस तरीके से यहाँ पे गुंडागर्दी किया, उसको पकड़ा जाए। जिस तरीके से राजधानी पटना में कई कोचिंग संस्थान हैं, तो उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उनको डर भय और माहौल, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए सहमे रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको कितना जल्दी इस पर में संज्ञान ले
प्रशासन की टीम और साथ में जो थाना यहाँ पे हैं लोकल थाना, उसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो घटना है आप तस्वीरों में देखिए, कैमरों में देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, एक बार कैमरा दिखाइए। ये यही सीसीटीवी कैमरा है जिसमें कि सारी घटना को रिकॉर्ड किया गया है। अब सारा चीज़ पता चल जाएगा देखने से ही कि जो जो गुंडागर्दी करने वाले जो है पहुंचे और लाठी से किस तरह से शीशा को तोड़ा गया है, उसके बाद जो है बम मारा गया। बम की तस्वीर यही है, जो दीवार आप देख रहे हैं यहीं पे बम मारा गया और उसको बम ब्लास्ट के बाद धुआं पूरा इस जगह में हुआ और उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे डरे सहमे छुप गए थे। यहाँ तक कि जो कोचिंग चल रहा था वो भी अंदर में जितने भी बच्चे थे वो अंदर में गेट को लगा करके लॉक हो गए। बात यह है कि कहीं ना कहीं इतना जो माहौल है, इस माहौल से कैसे बचा जाए। राजधानी पटना में एक दो कोचिंग संस्थान नहीं है, कई हजारों की संख्या में कोचिंग संस्थान है। ऐसे में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, दूर दराज से आते हैं, उनके लिए कितना सेफ है या सेफ नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जब हम इनसे बातें किए हैं तो बात निकल के आई है कि आखिर इस पर हम लोग डरे सहमे हैं, लेकिन इस पर में अब प्रशासनिक टीम क्या करेगी, एक्शन लेगी, उस पर सबसे बड़ा बात है कि वो कब इसको अरेस्ट करेगी। और जो लोग यहाँ पे पहुँचे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, वो यही बताया जा रहा है कि वो लोग रंगदारी करते हैं, मतलब कि जबरदस्ती जो है वो, मतलब कि यहाँ पे तोड़ फोड़ मारपीट करने का मतलब है कि मनमर्जी करना, कोचिंग संस्थान में आके डराना धमकाना, और जब उनको उसके मन के हिसाब से बात नहीं बनती है तो इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स से बचने के लिए थोड़ा प्रशासनिक टीम को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और भी अपडेट्स इस मामले से जुड़े होगा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल जो मैं मेहता मैथमेटिक्स क्लासेज में आकर के मैंने इन लोगों से बात किया है, तमाम बातें निकल के आया है कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्या रीज़न है और इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया है। और भी रिपोर्ट्स होगा इससे जुड़े, हम बताएंगे। बने रहिए हमारे IBTV के साथ, तब तक धन्यवाद। IBTV देखता है इंडिया।